हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है पिंकी आर्या और आज मैं बात करने वाली हूँ डर्मा रोलर के बारे में। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि उसको कैसे यूज किया जाता है, क्या होता है डर्मा रोलर, कैसे काम करता है, उसके मैकेनिज्म के बारे में सारी वीडियो मैंने बनाई हुई है। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इस वीडियो का, आप जरूर उसको चेकआउट कीजिए। बट आज मैं बात करने वाली हूँ कि मैं डर्मा रोलर कैसे यूज करती हूँ और इसके कितने बेनिफिट है, कैसे आपको इसको यूज करना चाहिए, वो सारी चीजें हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को बांध लेती हूँ। डर्मा रोलर से पहले अपन को यही करना है और वन बाय वन मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। तो चलिए मैं पहले अपने बालों को बांध लेती हूँ, उसके बाद में बात करती हूँ। और प्लीज मैं इस वीडियो के अंदर बिल्कुल भी कट नहीं डाल रही हूँ, मैं आपको पूरा वीडियो डिटेल में दिखाना चाहती हूँ कि डर्मा रोलर एक्चुअली में कैसे काम करता है और इसका जो पूरा मैकेनिज्म वो कैसे काम करता है। सबसे पहले डर्मा रोलर आपको वीक में एक बार यूज करना चाहिए, आप इसको फ्रीक्वेंटली यूज नहीं कर सकते हैं, बार बार इसको यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज नीडल हम अपने स्किन के अंदर पंच करते हैं तो हील होने के लिए 5 दिन का लगभग समय चाहिए होता है। उसके बाद आपकी सारी चीजें जो स्किन की डिजीज होती है वो ठीक हो जाती है। दूसरी चीज जो ध्यान रखने वाली ये है कि आपको कोई भी एक्टिव पिंपल नहीं होनी चाहिए स्किन के ऊपर, क्योंकि हम निडल डालते हैं तो क्या है वो एक्टिव पिंपल को पॉक कर देगा और वहां से कुछ चीज निकलता है तो अपने पूरे स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज बात ध्यान रखिएगा कि आपको कोई भी एक्टिव पिंपल नहीं होना चाहिए। आप अगर पिंपल आपके बहुत सारे हो गए हैं, उनके दाग धब्बों को आपको खत्म करने, तो पिंपल को पूरी तरीके से सूख जाने दे, उसके बाद डर्मा रोलर यूज करें। दूसरी बात, आपने डर्मा रोलर खरीद रखा है फर्स्ट टाइम है तो उसको डिसइन्फेक्ट करना जरूरी होता है। तो रबिंग अल्कोहल एकदम बहुत ही इजी पीजी सा मेथड होता है। रबिंग अल्कोहल के अंदर इसको डिप कर दीजिए 15 से 20 सेकंड के लिए और उसके बाद इसको निकाल लीजिए, इसको ड्राई होने दीजिए इसके ही केज में, ठीक है। और इसको ढकना नहीं है, ड्राई हो जाएगा ये, बहुत अच्छे से चलेगा। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे निडल है, यहाँ पे ना 3-4 दिन से धुंधला मौसम है, धुंधला इन द सेंस की बारिश का मौसम, तो ये ठीक से दिखेगा नहीं, बट फिर भी आप हल्का फुल्का कैच कर पाएंगे। 540 के तकरीबन इसके निडल आती है, इसका कार्ड बोर्ड मैंने वहां रखा हुआ है, 540 निडल्स होती है इसके अंदर लिखा हुआ है उसके ऊपर। मेरे पास 0.5 mm है, स्टार्टिंग आप छोटे से की, 0.25 mm भी आता है, स्टार्टिंग आप छोटे से कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम डर्मा रोल यूज कर रहे हैं तो। लेकिन जब आप बड़ी निडल के साथ जाते हैं तो आप इसको डर्मेट से ही कराइए, वो इसको बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इसका जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा हाई होता है बट इसके रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। आप क्या क्या चीजें कम करता है 0.5 mm से, आप कितनी चीजों को कवर अप कर सकते हैं, वो है फाइन लाइन्स आप कवर अप कर सकते हैं। अगर आपको ओपन पोर्स बहुत ज्यादा है, वो पिंपल्स के दाग, चेचक के गड्ढों के निशान, और अपने स्किन की क्वालिटी टेक्सचर को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप ये सारी चीजें आप 0.5 mm के साथ कर सकते हैं। दूसरी चीज जो ध्यान रखने वाली ये है कि आपको इसको कैसे यूज करना है वो, और जो इसका टाइम है, लंबा टाइम खींचता है। हम जो इंसान लोग हैं बहुत इंपेशेंट है हर चीज के लिए, खास करके अब हम बिल्कुल भी एकदम मानने को रेडी नहीं होते। हम सोचते हैं कि कुछ भी चीज लगाए फट से वो रिएक्ट करनी चाहिए, फट से हमारा चीज सब कुछ होना चाहिए, अच्छे से एकदम लगाते हमको असर दिख जाए, बट नहीं, 3 to 6 months इसको लग जाते हैं प्रॉपर वे में इसको अगर आप घर पे कर रहे हैं तो। लेकिन आप किसी डर्मेट से कराते हैं तो ये आपको 5 दिन के अंदर असर दिखाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो नमिंग क्रीम के साथ आपको ब्लड भी निकाल देते, पूरा चेहरा ब्लड वाला हो जाएगा। बट वो घर पे हम ऐसा कर नहीं सकते, सेंसिटिव स्किन वाले ध्यान रखें 0.25 mm से स्टार्ट करें, क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा है उनकी स्किन वो पे खून आने का, ठीक है। दूसरी चीज है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको एक विटामिन सी सीरम अपने साथ रखना है। विटामिन सी सीरम कोई भी हो सकता है, विटामिन सी सीरम क्रीम हो सकती है, वो रखें। इसको करने के बाद फेस को एकदम ड्राई, ऐसे फोमिंग फेस वॉश से वॉश करें जो ड्राई रखे स्किन को, ऑयलीनेस नहीं होना चाहिए ये स्किन के ऊपर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई मेकअप पुट ऑन नहीं है, कोई भी मॉइस्चराइजर टोनर नथिंग कुछ नहीं होना चाहिए, डिसइंफेक्ट जरूर कर ले। अगर आपके पास रबिंग अल्कोहल नहीं है तो जैसे ही हम अपने मेंस्ट्रुअल कप को उबालते हैं आप वो भी इसके साथ कर सकते हैं, उससे भी ये साफ हो जाएगा। आप स्टार्ट करेंगे तो जो आई का ये वाला हिस्सा है जहां पर ये पफिनेस मेरी आंखों के पास दिख रही है, जो नॉर्मली पफिनेस रहती है मेरी आंखों पर, मैं बहुत ज्यादा नमक खाती हूँ शायद, तो ये जो पफिनेस है इस वाले एरिया को छोड़ देना, यानी आई के एरिया के कॉन्टेक्ट में नहीं लेके आना। अब हम स्टार्ट करेंगे, 10 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, तब तक जब तक आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो एक हिस्से के ऊपर, ठीक है। रेडनेस नॉर्मल है, रेडनेस हो जाती है, इससे आप घबराए नहीं, सेंसिटिव स्किन वाले छोटे से स्टार्ट करें। तो मैं स्टार्ट कर रही हूं, पूरा प्रोसीजर दिखाता हूं मैं कैसे करती हूं, मैं बार बार बोलूंगी नहीं, तकरीबन 5 मिनट में लगातार बोल रही हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
आपको प्रेशर मीडियम रखना है, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ नीडल को चुभा नहीं देना अपने स्किन में, बिल्कुल आपको इससे अनकंफर्टेबल फील हो जाता है, थोड़ा सा पेन पेन आपको होगा, ऐसे नहीं कि आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, सेंसिटिव स्किन वालों को बहुत ज्यादा पेन होगा। आप देखेंगे हल्का फुल्का रेडनेस होना स्टार्ट हो गया है, मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है नहीं तो एक बार में एक ही पोर्शन लें आप। एक हिस्सा मेरा हो गया है और मैं दूसरा हिस्सा फटाफट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद मैं कुछ और चीजें आपको बताऊंगी। आई के एरिया नहीं करना है हमको, सिर्फ यही यही हिस्सा, मतलब इतना हिस्सा ही करना होता है हमको, और 5 से 10 बार आप एक हिस्से के ऊपर जा सकते हैं क्रिस क्रॉस मोशन में। तो मैं जल्दी से ये वाला कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। तो मैंने पूरा फेस कर लिया है अपना और अभी मैं इसको डिसइंफेक्ट के ही रखूंगी, मतलब इसको वापस से रबिंग अल्कोहल से वॉश करके ही रखा है। आपको ऐसे ही मत छोड़ देना क्योंकि अगर आप नीडल चुभाते हैं तो इसमें बैक्टीरिया आने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो अभी आपको ऐसा फील होगा कि जैसे बर्न होगी, आपकी सन बर्न हो जाता है ना, कुछ इस तरीके की सेंसेशन फील होगी, आपका स्किन जो चेहरा है वो पूरा रेड हो जाएगा। उसके बाद आपको विटामिन सी सीरम लेना है अपना, आप क्रीम भी ले सकते हैं और आपको हल्के हाथों से इसमें अप्लाई कर देना है। सबसे पहली बात तो ये कि हम क्यों यूज कर रहे हैं, इससे क्या होगा, ये बहुत अच्छे से डीपली पेनिट्रेट होगा और विटामिन सी सीरम अपना काम करेगा, कोलेजन को इम्प्रूव करता है ये स्किन के अंदर, तो वही हमें चाहिए। मैं बेसिकली अपने जो ओपन पोर्स हैं, अपने जो हंसते टाइम जो मुझे यहाँ पे पफिनेस होती है, ये सारी चीजें मैं दूर करना चाहती हूँ। मेरे पास है डर्मारोल तो मैं यूज कर रही हूँ बस, सिर्फ इसके बाद आपको 24 घंटे तक कुछ अप्लाई नहीं करना है, नो मेकअप नथिंग। डर्मेटोलॉजिस्ट तो 5 दिन तक मना कर देते हैं क्योंकि वो ब्लड आ जाता है आपकी स्किन से, और अभी आपको बहुत ही अजीब सा सेंसेशन फील हो रहा होगा आपकी स्किन के ऊपर, विच इज नॉर्मल, बहुत नॉर्मल है, आप परेशान मत होइए। दिमाग को सिग्नल तभी जाएगा कि आपकी स्किन को हील करना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम की यूज के बाद आप अपने ओपन पोर्स के ऊपर बिल्कुल भी एकदम ऐसा देख सकते हैं कि वो हल्के फुल्के कम हो रहे हैं, बट 3 to 4 months इसको आराम से दीजिए काम करने के लिए, वीक में एक बार ही करना है, बार बार नहीं, फ्रिक्वेंटली ना यूज करें, और इंपेशेंट तो बिल्कुल भी ना हो इन सब चीजों के लिए। बस इसके बाद आप आराम से व्यतीत कीजिए अपना समय, इसको थोड़ी देर के बाद ये एकदम सेटल डाउन हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा आपका चेहरा एकदम, और फ्रेश भी फील होगा। कोई भी चीज अप्लाई नहीं करें, ये डर्मारोल अगर आप वीक में 1 बार यूज करते हैं तो आप इसको लगभग 3 से 4 मंथ यूज करें, उसके बाद इसको डिस्पोज कर दे और अपना दूसरा डर्मारोलर ले लें। बार बार इसको यूज ना करें, डेफिनेटली इसको हर बार वॉश करना है रबिंग अल्कोहल से, या आप उबालते हैं तो वो भी कर सकते हैं, दोनों मेथड काम करते हैं इस पे, और आपका चेहरा थोड़ा सा स्वेल भी हो जाएगा जैसे मेरे हो गया है।
तो ये था मेरा पूरा डर्मा रोल का रूटीन। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारी रिक्वेस्ट थी इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी। अगर और भी कोई क्वेरी है आपकी तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट के थ्रू बताइएगा, मैं सभी का रिप्लाई करूंगी। और आप लोग परेशान मत हुआ कीजिए, मैं रिप्लाई कर देती हूँ। आप उसी कमेंट के नीचे जाकर कमेंट देखा कीजिए, आप बाद में दूसरे वीडियो पर कमेंट कर रहे होते तो डेफिनेटली वो वहां पे तो वो रिलेट नहीं हो पाएगा। तो आप प्लीज वहां पर कमेंट जाकर देखा कीजिए, मैं रिप्लाई सभी का कर देती हूँ जब भी मुझे टाइम लगता है। तब तक के लिए खुश रहिए, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, बाय।